कर्टेंस लगाते हैं, हम क्यों लगाते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। जो हमारे ग्लास है उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्म ग्लास यूज कर सकते हैं, या जो है सैनिटेशन, हमारे घर में प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। यदि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं रहेगा तो घर वालों की जो हेल्थ को उसका इफेक्ट होगा, वर्क कर सकते हैं, किचन कम डाइनिंग को अपन ऐसा यूटिलाइज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम वीडियो में जानते हैं कि प्लानिंग हमें इंजीनियर या आर्किटेक्ट से ही क्यों कराना चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्ट को या इंजीनियर को फील्ड नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज रहती है जो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं रहती है, जो आगे चल के हमें बहुत फ़ायदा देता है। कि जैसे कि आप बिल्डिंग परमिशन या जब आपको लोन कराना रहता है तो आपको इंजीनियर की हेल्प लेनी पड़ती है। यदि आप इंजीनियर से भी प्लानिंग करवा रहे हैं तो आपको इन इन बिंदुओं का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब है कि सबसे पहला एस्पेक्ट में हम ये देखेंगे कि आपका घर की दिशा किस तरफ है, आपका घर का फेसिंग किस हिसाब से है। तो आपके घर के फेसिंग से ही हम उनका एंट्रेंस और जो घर का है ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे। ओरिएंटेशन इस तरह हमको डिसाइड करना है कि जो हमारी जो सनलाइट है, सूर्य की किरणें दिन के समय आपके जो घर पे चारों ओर रहना चाहिए और स्पॉन्स वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि घर की गृहिणी सबसे ज़्यादा समय अपना किचन में व्यतीत करती हैं, तो हमारा किचन ईस्ट फेसिंग में होना चाहिए और ईस्ट फेसिंग में एक विंडो होना चाहिए, जिससे क्या हो, जब सूर्य की किरणें सबसे पहले किचन में आएगी, जो जो आप भोजन आप ग्रहण करेंगे उससे क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जिसके कारण हमारा जो दिन है पूरा एक एनर्जेटिक रहता है। और क्रॉस वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, जिससे क्या हो, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर रहे घर पे, जिसमें आपको क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी नहीं होती, कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम हो जाता है, कि आपके दिन की जो लाइट है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो पाएगी। तो हमारी दूसरी बिंदु है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है हमारा फ्रंट एलिवेशन। हमारा फ्रंट एलिवेशन ऐसा होना चाहिए कि जो घर में रह रहे हैं और जो घर से बाहर दे रहे हैं उनको फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, प्लीजेंट लुक लगना चाहिए। और जो हमारे घर के अनप्लीजेंट फीचर्स है, जैसे कि एंट्री पाइप बाहर से जा रहा है तो उसको हाइड करना चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन लुक होना चाहिए, सिक्योरिटी वाइज भी सिक्योर होना चाहिए। और जो हमारा एलिवेशन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लिमिटेड खर्च में हमारा एलिवेशन अच्छा बन जाए, हमारा एलिवेशन ऐसा बनाना चाहिए। तीसरी बिंदु है कि प्राइवेसी। प्राइवेसी दो दो भाग में विभाजित है, एक होती है इंटरनल प्राइवेसी, एक होती है एक्सटर्नल प्राइवेसी। एक्सटर्नल प्राइवेसी का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर खड़ा है तो उससे अंदर क्या गतिविधि चल रही है वो उसको विजिबल नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो बाउंड्री वॉल की हाइट है वो उसको प्रॉपर रखनी चाहिए। और एक भी आपको और ध्यान रखना है कि जो हमारी आउटर वॉल है उसको 9 इंची की होनी चाहिए। 9 इंची के होने से क्या होता है, एक साउंड प्रूफ का काम करती है, कि आज जो अंदर आप बात कर रहे हैं उसको जो बाहर खड़ा कोई व्यक्ति है तो उसको सुनाई ना दे। दूसरी फिर बात होती है कि इंटरनल प्राइवेसी। इंटरनल प्राइवेसी का मतलब यह है कि हर रूम की एक प्राइवेसी रहती है, जिससे क्या होना चाहिए, एक रूम है उसको दूसरे रूम में क्या गतिविधि चल रही है उसको दिखनी नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है वो आपके लिविंग एरिया पे है तो बेडरूम में क्या चल रहा है उसको विजिबल नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें क्या करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी दीवार रहती है, लॉन्ग वॉल रहती है, उस तरफ क्या होना चाहिए, डोर खुलने चाहिए। और जो पर्दे हैं, पर्दे हम इसलिए लगाते हैं, जो कर्टेंस लगाते हैं हम क्यों लगाते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। जो हमारे ग्लास हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्म ग्लास यूज कर सकते हैं या कलर ग्लास यूज कर सकते हैं। तो चौथी बिंदु है हमारी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब यह है कि जो सेम नेचर के रूम्स हैं उसको क्या होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। जैसे कि लिविंग रूम और डाइनिंग रूम क्या होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। कोई कॉमन टॉयलेट है तो वो क्या होना चाहिए, इजी एक्सेसिबल होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आता है तो क्या होना, अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो इजीली एक्सेस हो जाए। और एक दूसरा होता है एक प्राइवेट रूम। प्राइवेट रूम मतलब जैसा हो गया आपका बेडरूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, आपका ड्रेसिंग रूम हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। और इसमें अब ऐसा होना चाहिए कि जो किचन है हमारा उसको क्या होना चाहिए, डाइनिंग के पास होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, खाना बनेगा वहाँ खाएंगे तो इसलिए इंटरकनेक्टेड है, तो इन दोनों को क्या चीज़ होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसी सब चीज़ों को हम प्लानिंग में ग्रुपिंग बोलते हैं। तो हमारी पांचवी बिंदु है रूमिनेस। रूमिनेस का मतलब यह है कि हमारा जो भी रूम बना रहे उसको क्या होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। अब छोटा सा भी रूम रहे हम उसको हमें उस तरह प्लानिंग करना चाहिए कि वो जो रूम है उसमें स्पेशियस होना चाहिए। इसलिए हम रेक्टेंगुलर शेप प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू स्क्वायर शेप। और जो हम कबोर्ड बनाएंगे उसको क्या होना चाहिए, इनबिल्ट होना चाहिए, जिसके कारण क्या हो, बाद में जैसे आप इनबिल्ट नहीं बनाएंगे, अब बाहर से कबोर्ड बना रहे हैं तो बाद में क्या हो जाएगा, जो अपना रूम का साइज है वो श्रिंक हो जाएगा और वो क्या करेगा, एक हर्डल की पैदा करेगा। हर्डल पैदा करने से क्या हो जाएगा, जो हमारे जो सर्कुलेशन स्पेस है वो कम हो जाएगी और जो रूम की डेप्थ है वो भी क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। हमारी छठी बिंदु है सैनिटेशन। हमारे घर में प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। यदि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं रहेगा तो घर वालों की जो हेल्थ को उसका इफेक्ट होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे बाथरूम रहते हैं वहाँ पर हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, या और आप देख सकते हैं कि जो अब रूम्स हैं वहाँ पर एक की जगह हम दो विंडोज यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर है, प्रॉपर लाइट है, जो लाइट आएगी जो नेचुरल लाइट है वो क्या हो, प्रॉपर एरिया को कवर करे।
तो हमारी सातवीं बिंदु है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि हमें ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जो हमारे रूम से वो क्या हो मल्टीपर्पज़ ऐसा सर्व कर सके। जैसा कि आप देखा होगा कि आपने मेट्रो सिटीज़ में वहाँ पर क्या है लैंड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो वहाँ पर क्या अपन क्या कर सकते हैं, जो हमारे लिविंग रूम है उसको हम रात को बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किचन कम डाइनिंग को अपन ऐसा यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो बेडरूम्स है उसको हम ऐसा जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर ऐसा हम स्टडी रूम भी यूज़ करते हैं। तो हमें ऐसा प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। तो हमारी आठवीं बिंदु है कम्युनिकेशन। तो हमारी रेजिडेंशियल प्लानिंग के लिए कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमारे दो रूम के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। डोर्स, विंडोज़ और स्टेयरकेस हमें प्रॉपरली प्लेस करना चाहिए। तो हमारी नौवीं बिंदु है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। ये प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब हम प्लानिंग करते समय हमें ऐसा प्लान करना है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं करना है, जो एग्जीक्यूशन करते समय हमारा जो कॉस्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज ना हो सके, जब एग्जीक्यूशन कर सके जब बन जाए तो हमारा जो रख रखाव का कॉस्ट है वो भी इंक्रीज ना हो। तो ये सब बिंदु आपको ध्यान रखना है कोई भी प्लानिंग करते हुए पहले। और प्लानिंग करने से पहले आपको भी थोड़ी सी खुद को सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा घर में, कि जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं वो आपने आपको रिक्वायरमेंट सेट कर लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितने रूम चाहिए, बेडरूम चाहिए, पहले आप घर में खुद सेल्फ डिस्कशन कर सके। फिर जो आप रिक्वायरमेंट है आप वो कोई भी इंजीनियर आर्किटेक्ट को बताएंगे हमारी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको एक दो बेसिक प्लान बना के देगा। तो उस बेसिक प्लान में आप देख सकते हैं कि जो उसने प्लान प्रोवाइड किया है वो आपकी बेसिक नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहले मॉडिफिकेशन आप खुद करिएगा कि आपको कहाँ चाहिए, फिर वो आपको जो इंजीनियर वो बता पाएगा कि उस जगह पर वो प्रॉपर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी।